सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज दूसरा दिन है। कल बम्बू वगैरह को काट लिया हम लोगों ने, तो आज एलोंग से हम लोग ने गाड़ी मंगवा लिया, बोलेरो पिकअप 1.7 टन। तो वहाँ पे हम लोग जितना बम्बू काटा है उसको ले जाएगा। और ये बम्बू जो एकदम सॉफ्ट वाला बम्बू होता है, जो नया नया निकला हुआ, उससे रस्सी बनता है। और यहाँ का ये नेचुरल मेकअप पाउडर, ये देखो बम्बू का पाउडर, इसको लगाने से डायरेक्ट सफ़ेद हो जाएगा डायरेक्ट इमिडिएटली। को भी और कल का हम लोग का काटा वाला को भी हम लोग उठा लिया। ये अभी हम लोग दोनों को ले जाएगा, दोनों डिफरेंट टाइप का, तीनों डिफरेंट टाइप का ले जाएगा बम्बू को। तो जा रहे हैं हम लोग बम्बू को लेके ऊपर, वो यहाँ से लेके वहाँ पहुँचा रहे हैं। फिर वो लोग जो फिर वहाँ से गाड़ी में जाएगा। तो गाइस, हम लोग ने बम्बू ले लिया, फाइनली हम लोग जा रहे हैं बम्बू लेके जा रहे हैं। तो बम्बू नहीं गिरने के लिए हम लोग अभी यहाँ पे ऐसे खड़ा करके साइड में जा रहे हैं, बम्बू नहीं गिरने के लिए ना। गाइस दिस इज वेरी मजा, तो इट्स बिट रिस्की, डोंट ट्राई दिस एट होम। हां, बम्बू को अभी हम लोग को बांधना है फिर से ना वहाँ पे जाके। तो टेम्पररी अभी आगे तक ऐसे जाएगा, उसके फिर बांधेगा। गाइस, हम लोग ने बम्बू को यहाँ पे गिरा दिया, एंड गिरा के अभी हम लोग छत के ऊपर चढ़ा रहे हैं इस तरह से, क्योंकि मुझे सेकेंड फ्लोर पे कैफ़े का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो अभी चढ़ाने के लिए हम लोग को ऐसे रस्सी में ऐसे बांध के बम्बू को ऊपर चढ़ाना हो रहा है। तो इट्स वेरी, बहुत झमेला हो रहा है। तो आगे ऊपर में चढ़ाने के बाद फिर बम्बू को हम लोग साफ़ करेंगे, साफ़ करने के बाद सीलिंग पे लगाएंगे, तो देखिएगा कैसा रहता है। सो गाइस, अभी कौन सा दिन चालू है मालूम नहीं, काम में इतना व्यस्त था, मतलब बम्बू का कटिंग ही चालू है अभी बिना। तो शायद रेलिंग को डालने के लिए अभी यहाँ पे, मतलब वो डाल दिया, क्या नाम है, ढलाई कर दिया यहाँ पे। और आज ही मैंने वो बैनर लगाया वहाँ पे, वो बैनर नीचे से कैसे दिखता है मैं दिखाता हूँ आपको, नीचे से कैसे दिखता है। यहाँ पे भाई भी आया एक हेल्प करने के लिए। तो फिलहाल कुछ खास प्रोग्रेस नहीं हुआ है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस बोलते हैं ना, सो वही हालत है अभी। गाइस, आज कौन सा डे कंस्ट्रक्शन का कुछ पता नहीं, इतना बिजी हो गया। एंड हम बहुत मानता है जो आदमी लोग ना कंस्ट्रक्शन करके वीडियो बनाता है, आई डोंट अंडरस्टैंड वो लोग कैसे करते हैं, मतलब टाइम ही नहीं मिलता है, उतना बिजी हो जाता है ना। तो मेरा भी काफ़ी हद तक कुछ प्रोग्रेस हो चुका है, जैसे कि पेंटिंग मारा आपको नहीं दिखाया है। तो अभी ये देखो सीलिंग का काम चालू है, ये देखा है, ये हम लोग जो बम्बू लेके आया था पतला वाला, तादोर बोलने वाला, उसको यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे, सीलिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ये तो रात हो चुका है, अभी इतना अंधेरा हो जाएगा, बट स्टिल हुआ वर्किंग। सो देखते हैं, आपको पूरा ये सीलिंग कंप्लीट होने के बाद दिखाते कैसा है। सो गाइस, छत का इतना पार्ट हुआ है, बीच में अलग डिज़ाइन बनाएगा करके छोड़ जाते हैं। अभी हम ये छत का, इस साइड का शुरू करने वाले हम लोग ना। गाइस, हम ऊपर ना खिली मारना पड़ता है ना वहाँ पे बम्बू को, तो किली मतलब बार बार नीचे झुक के लेना पड़ता है, या पॉकेट में रखने से नहीं मिलता है, मतलब बहुत झमेला होता है निकालना। तो मेरा भाई का टेक्निक भी कहो, भाई ऐसा दिमाग लगाया, ये बोतल को काट के किला यहाँ पे लटकाता है गले पे, तो हम भी वही कॉपी कर रहे हैं। हम भी एक मेरा तो पुराना वाला निकाला है, बोतल को काट के अब ये रस्सी लगा के हम भी यूज़ करेगा ऊपर खिली मारते समय। तो अपना कंप्लीशन यहाँ तक ही हुआ है, अभी देखो बहुत काम बाकी है। गाइज, बैम्बूज जो होता है ये सीलिंग के लिए, जो हम लोग ने बैम्बू लिया टाडोर, उसको पहले तो हम लोग ने पूरा साफ़ किया। साफ़ करने के बाद अभी हम लोग सीलिंग में लगा रहे हैं। उसके बाद क्या होगा कि ये लगाने के बाद हम लोग फिर इसके ऊपर हम लोग पेंटिंग या जो बर्निश करते हैं वो करने वाले हैं। एट द सेम टाइम हम लोग वॉल में पेंटिंग कर रहे हैं, वो भी दिखा दें आपको। मार्केट में एकदम गर्दी है, एंड आई एम हियर, ये हालत में मेरा कैफ़े के लिए पेंट ले रहा हूँ। गाइज, हम लोग का पेंटिंग का काम शुरू हो चुका है। हम लोग स्टेयरकेस के जो रूम, स्टेयरकेस का जो रूम होता है उसको पेंट कर रहे हैं। एंड ये मेरा जो पेंटर फ्रेंड है, इसका नाम है माजूम बागरा, एंड ही इज़ ए प्रोफेशनल पेंटर। इसके काम से आप वाकिफ हो गए, अगर आप आलो के निवासी हो तो पुलिस स्टेशन के बाहर के वॉल में आपने देखा होगा इसका काम को। अभी देखते हैं, चलिए सीलिंग का क्या काम चल रहा है वो दिखाते हैं आपको। एंड आज का हम लोगों का फाइनल छत का काम फाइनली ऑलमोस्ट 99% कम्प्लीट होने वाला है। तो हम लोग यहाँ से, अगर ऊपर कभी काम होगा, ऊपर का कुछ भी वायरिंग वगैरह करना होगा, तो यहाँ से घुसने के लिए एक स्पेस छोड़ना पड़ रहा है हम लोग को।
ना, तो ये एरिया का हम लोग अभी काट रहे हैं। लेकिन अभी आपको यहाँ में हम एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि बम्बू का काम भी इतना आसान नहीं है, दिमाग लगाना ना। फॉर एग्जांपल कि ये एकदम देखो लाइन में बैठ रहे ना, वहाँ पे मैंने जब लगाया तो ये लाइन पे बैठ, ये देखिए लाइन पे बैठ रहे ना। लेकिन जब सेम लाइन का मैं काटूँगा यहाँ पे आऊँगा तो ये कुछ ज़्यादा ही लंबा हो रहा है, देखा, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर मैं ये साइड से मिला के, यहाँ से मिला के ऐसे काटता हूँ इसकी हाइट में, इसके लेंथ पे, अगर ये सेम हाइट से काटूंगा तो यहाँ पे आगे जाके ये छोटा पड़ रहा है। तो इसके लिए क्या दिमाग लगाया मैंने, पता है, मैंने इसको नाप लिया, यहाँ का नापा, दोनों को लाइन पे मिला के ऐसा बना लिया, देखा ना, ऐसा फ्रेमवर्क बना दिया मैंने, ताकि क्या हो गया कि अभी ये लोग को ऐसे ऐसे काट के एंगल मिला लेगा, मतलब ना। तो इंजीनियरिंग दिमाग यहाँ पे लगता है, मतलब अपना देखो फ्रेम बना दिया, फ्रेमवर्क, ये इंक्लाइन है थोड़ा ना, ये इंक्लाइन है, तो यहाँ पे काट करके मिलाने के बाद हम लोग ऊपर डालेंगे। और बम्बू को देखो अगर आप ना डायरेक्ट खिल्ला मारेगा तो फट जाता है, तो उसके लिए क्या करना होता है, या हमें एक्स बनाना होता है, एक्स बना के उसमें खिल्ला मारना होता है, तो वो फटता नहीं है, ठीक है ना भैया। ठीक है, बढ़िया, सही है। सो इट्स नॉट ईजी गाइज, बम्बू का काम आसान नहीं है, सुंदर तो काफ़ी सुंदर है, बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन बहुत फर्स्ट टाइम, इसको तो कल हम अकेला मारा है, वहाँ से लेके पूरा यहाँ तक अकेला, इसको लग तक कितना टाइम लगेगा आपको लग रहा है ये मारने, बस इतना मारने में, बम्बू काट के रखा हुआ था, साइजिंग करके मतलब काट के रखा हुआ, बस हमको मारना था खिल्ला, इसको मारने में पूरा दिन निकल गया मेरा, क्योंकि वहाँ पे पकड़ने वाला नहीं था, बहुत झमेला हो रहा था ना। उसके बाद क्या है कि ये बम्बू पूरा स्ट्रेट नहीं होता है, बैंड होता है ना, तो वो गैप को मिलाने के लिए भी बहुत मटापची करना पड़ रहा है, मतलब बहुत झमेला होता है। तो गाइस सुंदर तो काफ़ी सुंदर लग रहा है, हम तो पता नहीं, ये कैमरा अगेन जस्टिस नहीं दे रहा है ये कैफ़े का व्यू को, बहुत बढ़िया लग रहा है वैसे ना, मेरा ये कंसेप्ट बहुत अच्छा हुआ है, अच्छा बेटा, वहाँ पर भी सेम कंसेप्ट यूज़ करें, यहाँ पे भी कुछ ऊपर में मतलब एक कुछ डालेगा हम सोच के रखा है, तो दिखाते हैं आपको आगे कैसा होने वाला है। तो फिलहाल अभी तक देखिए अभी कंप्लीशन इतना ही हुआ, और वैसे वो वॉल को मैं ऐसे रखने वाला हूँ, रस्ती लुक कहते हैं ना, उस तरह से रखने वाला हूँ, मैं प्लास्टरिंग नहीं करूँगा, बस पेंट को ऐसे रहने देने वाला हूँ। और एक चीज़ गाइस, यहाँ पे तो अभी ओपन रखने वाला है एरिया को, अभी बहुत गंदा है वैसे, ये देखो पेंटिंग का काम ऑलमोस्ट डन है, ऑलमोस्ट, बहुत सुंदर है ना देखने में, ये गौतम बुद्ध बनाया गया यहाँ पे, अच्छा लग रहा है, ये मतलब एक अलग से बहुत बढ़िया लग रही है ना, ये बहुत बढ़िया लग रहा है, अगर सामने से आप देखिएगा ना बहुत बढ़िया है। सो आज भी पेंटिंग का काम शुरू होगा गाइस, तो इतना ही बना है अभी तक फिलहाल। मेरा फ्रेंड यहाँ पे बोर्ड बना रहा है, तो ये मेरा फ्रेंड बोर्ड बनाया मेरे नाम के ऊपर ही रख दिया, बहुत कंफ्यूजन हुआ था नाम के ऊपर, क्या नाम रखेगा आगे, बहुत सारा नाम था लेकिन एंड में यहाँ पे आ गया। एंड मेरा फ्रेंड ने बनाया, ये आर्ट तो सुंदर है लेकिन मेरे कैफ़े के साथ जो मेरा वाइब है उसके साथ मैच नहीं कर रही है ये इमेज ना, तो मैंने कहा कि इस इमेज को निकाल दो और दूसरा इमेज फिर से पेंट कर दो यहाँ पे। सो एक फाइनल एक सोचा है क्या डालने का यहाँ पे, लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट। सो गाइस हम लोग आज सुबह से ये टाइल्स लोग को बुकाए, टाइल्स बस्ता में डाल के, एंड अगेन ये रेत है, रेत को ऊपर दूसरी मंजिल पे ले जाने, मतलब ना ये रेत को बैग में लगा के, हाँ जल्दी जल्दी ऐसा, इससे अच्छा जिम क्या होगा ना, और अंधेरा हो रहा है तो मतलब पड़ रहा है। गाइस रेत बुक ना सुबह शुरू किया था एंड अभी तक हम लोग बुक रहे हैं, चढ़ा रहे हैं ऊपर क्योंकि यहाँ पे कल फ्लोरिंग करने वाला है। सो गाइस लाइक आई सेड कि मेरा ये प्रोजेक्ट का होल ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि कम बजट में एक कैफ़े बनाना है, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जैसे कि मैं खुद से मेहनत कर रहा हूँ, खुद से मतलब लेबर बन रहा हूँ, तो उसी तरह से अभी मैं फ्लोर को भी प्लास्टरिंग करूँगा, टाइल्स वगैरह नहीं लगाऊँगा, प्लास्टरिंग में रखने वाला हूँ क्योंकि बजट कम करना है मुझे। सो गाइस हम लोगों का काम सुबह 8 बजे से शुरू हुआ था एंड अभी रात का 8 बज रहा है, 12 आवर्स ऑलमोस्ट या 12 आवर्स हो गया एंड स्टिल ये चल रहा है, काम चल रहा है अभी, क्यों बोले तो ये एक बार फ्लोरिंग करने के बाद में गुलाई नहीं मार पाएगा, इसलिए आज कंप्लीट करना ही पड़ेगा, ऐसा हो गया। सो सब थक चुके हैं एकदम एंड फाइनल यहाँ तक गुलाई मार दिया, हम लोग डिज़ाइन देने के लिए ट्राई किए, वहाँ पे डिज़ाइन दिया देखो अलग अलग कलर का,
पानी जा रहा है, जैसे देखते हैं क्या होता है कल रिजल्ट। गाइस शॉर्ट में दिखाना चाहता हूँ कि हर काम हम लोग खुद से कर रहे हैं, यही बताना चाहता हूँ। ये क्लिप दिखाने का मकसद वही है क्योंकि मुझे बजट कम करना है इसलिए। तो और भी फ्लोरिंग का काम बाकी है, उसके लिए उठा रहे हैं हम लोग। तो वहाँ से ग्राउंड फ्लोर से उठेगा मेरा एंट्रेंस पे, यहाँ पे आएगा ना। तो एंट्रेंस में आते ही यहाँ पे ये ओपन स्पेस रहेगा, बीच का यहाँ पे भी टीना ऐसे जाएगा ना, ये ओपन स्पेस रहेगा। किचन अभी के लिए फ़िलहाल के लिए छोटा हम कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे किचन रहेगा छोटा सा। बाद में यहाँ पे भी ज्वाइनिंग है, ये वाला भी किचन एरिया ही बन जाएगा, ओपन किचन टाइप का होगा। यहाँ पे टेबल होगा, मतलब ओपन टाइप का। उसके बाद ये भी ओपन कैफ़े है, मतलब पूरा ये ओपन रहेगा पूरा ऊपर ना, ये साइड साइड का पूरा ओपन ही रहेगा, साइड का पूरा ओपन रहेगा, यही है। और यहाँ से व्यू अच्छा है, वहाँ पे देखो वो नदी उदी का व्यू दिखता है बढ़िया से। उसका फिर यहाँ पे डायरेक्ट मार्केट का व्यू दिखता है, ये जो मेन मार्केट है ना, ओल्ड मार्केट, तो ये डायरेक्ट व्यू दिखता है ऐसा। और यहाँ पर थोड़ा सा एक स्टेज बना दूँगा, हल्का फुल्का म्यूज़िक व्यूजिक का सिस्टम कर देगा। अभी डेकोरेशन बाकी है, कल से शुरू होगा वो लाइटिंग वगैरह। बहुत ठंडा है, बारिश हो रहा है। अभी पोस्ट का काम ऐसा ऐसा हुआ है ना, यह पोस्ट वगैरह बन गया। इसमें प्लास्टरिंग का काम चल रहा है। हम लोग अभी लाइट को डिसाइड कर रहे हैं कैसे रखेगा ये लाइट, टोकरी को यूज़ करके लाइट बनाने वाला है। तो अभी देखो यहाँ पे लाइट का पैटर्न देखो, हम लोग ये लैम्प को ऐसे लगाएगा सेंटर में, ये लाइन में लगाएगा या ये लाइन में लगाएगा, ऐसे कंफ्यूजन हो रहा है। तो ये मेरा फ्रेंड मोहजुम बोल रहा है कि इसको ऐसा लगाने से गंडा अच्छा नहीं दिख रहा है, ऐसा लगाने का बोल रहा है। तो फिर ऐसा लगाया तो क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पे हमें कुछ लाइट नहीं डल रहा है ये एरिया में ना, समझे मोहजुम, ये एरिया में कुछ भी लाइट नहीं डल रहा है हम लोग ये एरिया में, समझा है। तो भाई आप लोगों की राय क्या बताइए, मैं अभी वो बताने का नहीं, अभी ये जब बोल देखे तब तक डल चुका होगा, हम बस बता रहे हैं प्रोसेस। तो नीचे से आके देख रहे हैं कौन सा बेटर लगता है हल्के ना। तो ये फर्स्ट वाला सीलिंग में डाला है ना, डायरेक्ट सीलिंग में डाला है ये वाला, और जो तीन टू डाला है वो पीछे वाला में कॉलम में डाला है, कॉलम बोलते हैं बीम में डाला है। तो हमको लग रहा है सीलिंग में डाला जाए, स्लैब में डाला ज़्यादा बेटर लग रहा है। तो आज का काम, आज का प्रोजेक्ट है हम लोग को वायरिंग करना है। कल वायरिंग का हम सेट बना लिया था, तो अभी वायरिंग कर रहे हैं हम लोग। ये डाल दिया, पूरा निखार आ रहा है अभी ना, लाइट जलने से और बढ़िया हो जाएगा, निखार आ रहा है अभी। सुबह जब हम लोग ये टोकरी लिया था, हारमुती से लिया था, 50 रुपये में लिया था ना हारमुती से। तो इसको अभी हम क्या करेगा, ऊपर में डेकोरेशन में यूज़ करेगा तो ये इसको, लेकिन ये थोड़ा डार्क होने के लिए हमको आपके ऊपर कुछ दिन रखना पड़ा था, ये थोड़ा डार्क हो गया और उससे बर्निश मारे, बर्निश कलर मारा है। अगर ऊपर में लटकाएगा, लटकाने के बाद देखिएगा कैसे होता है। हाँ हम पकड़ के रखने क्या, हो जाएगा हो जाएगा। गाइस अभी जो मैं कर रहा हूँ ब्रश से किया था, ब्रश से नहीं हो रहे, तो वहाँ पे पेंट गिर गया था तो कपड़े से उठा रहे, कपड़े से कर रहे हैं, और ये ज़्यादा इजी नहीं लग रहा है अपना। Far more easier than the brush. Guys, सुबह से लगा हूँ वायरिंग वगैरह कर लिया, अभी देखते ट्राई कर रहे हैं। 1, 2, 3 वो आया ना। बंद करो आखों जल्दी। गाइस अगेन अपडेट दे रहा हूँ, बाहर का भी प्रोग्रेस यहाँ पे है, रेलिंग लगा रहा हूँ आप ना, आओ आओ आग बरा। उसके बाद आज वायरिंग का भी काम किया हम थोड़ा, कल प्रॉपर वायरिंग का काम होगा यहाँ पे, फिर अनफिनिश वाला था वो देखो। आज हम लोग बहुत अच्छा लग रहा है बताने के बाद ना, रियली इट्स लुकिंग वेरी गुड। तो सेम वे वहाँ पे भी ऐसे लगेगा ना, तो अच्छा लगेगा। ये काम भी आना चाहिए।
तो आज हम ये टीना को लगा रहे हैं, इस साइड का टीना को डालेगा पूरा। तो गाइस अभी हम लोग किचन का रूफ को डालेंगे ये जीआई शीट, तो इसको डालने के बाद आपको दिखाएंगे कैसा रहता है। ये वीडियो में डाला तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो अगले ब्लॉग पे मिलते हैं आपसे।